हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मान। वेलकम टू मूवी शो वी। दोस्तों, मेरे ख्याल से आप अपना ध्यान रख रहे होंगे। कोरोना काफी ज्यादा फैल गया है, तो बाहर कम निकलना। पहले ही तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और अगर घर में किसी को हो जाता है तो एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस जरूर मेंटेन करना, मास्क पहन के ही बाहर निकलना। चलो, आज का अब हम रिव्यू शुरू करते हैं। रिव्यू है दोस्तों TNF के बारे में, यानी ट्यूजडेज एंड फ्राइडेज, जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई है। और ये सपोजिटली एक रोमांटिक मूवी है जिसको बैकअप किया है संजय लीला बंसाली जी ने। इसको देख के दोस्तों मुझे थोड़ी सी ना अजीब सी फीलिंग आई, क्योंकि ये एक रोलर कोस्टर की तरह है। बेतुकी स्टोरी है पर प्लेजेंट भी है बीच बीच के अंदर, बिकॉज ऑफ द एंडियरिंग कास्ट। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। संजय लीला, जैसे मैंने बताया, उनके प्रोडक्शन हाउस से आई है, जिसके अंदर दो न्यू कमर्स को लॉन्च किया गया। अनमोल ढिल्लन, जो कि एक्ट्रेस पूनम ढिल्लन के बेटे हैं, और जटालेखा मल्होत्रा, जो कि मिस इंडिया थी 2014 की। आई वॉन्ट टू आस्क संजय लीला वेरी बेसिक क्वेश्चन कि भाई साहब क्या हो गया, मतलब ऐसी स्क्रिप्ट को क्यों ग्रीन सिग्नल दे दिया? आप तो काफी मेच्योर स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट क्या करते थे, थोड़ा दिमाग और एनर्जी और अपना थोड़ा सा जो आपको इतना एक्सपीरियंस है उसके अंदर भी थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देते। क्योंकि काफी टाइम के बाद दोस्तों मैंने इतनी इमेच्योर, और यूज तो नहीं करना चाहिए वर्ड, पर घटिया तरीके की स्क्रिप्ट देखी है, जिसके अंदर ह्यूमन इमोशंस और लव का जो मायना है वही बदल के रख दिया है। क्योंकि मतलब दोस्तों, पहले तो ये वेरी अनलाइक संजय लीला बंसाली फिल्म है, जहां पर बहुत डीप रूटेड इंडियन वैल्यूज होती है एंड लुक्स वेरी वेरी एथनिक इन नेचर। पर यहां पर आप वरुण यानी अनमोल ढिल्लन को देखोगे, जो कि बहुत ही स्केयर्ड तरीके का इंसान है। वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करता और यूजली डेट करता है लड़कियों को सिर्फ 7 डेज के लिए, कैसोनोवा टाइप है, लड़कियां बदलता रहता है, और उसको लगता है कि स्वीट टाइम होता है एक रिलेशनशिप का, और उसके बाद जो होती है एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, दुख आने लगते हैं, तो उससे पहले ही कट लो। दूसरी तरफ हमें देखी गई एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव नारी सिया, जो की काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है और अपने करियर में अच्छा कर रही है, पर वरुण के प्यार में पड़ जाती है, और ये 7 वीक्स वाला जो झोलझाल है उससे हटने के लिए एक चीज प्रपोज करती है बचकाना, कि हम ट्यूजडेज को और थर्सडेज को ही मिलेंगे ताकि एक दूसरे को जानने के लिए हमें टाइम मिले। और जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ही वरुण के दिमाग में जो कीड़ा आता है कि 7 वीक के बाद ये रिलेशनशिप एंड हो जाए, शायद वो कंप्लीटली टल ही जाए, और अगर ये टल गया तो ये दोनों साथ में रह पाएंगे, जो कि मुझे बहुत ही बेतुका सा कॉन्सेप्ट लगा। अब एज यूजुअल द स्टोरी इज वेरी वेरी प्रेडिक्टेबल। अब दोनों मिलते हैं, दोनों के नाटक अलग अलग तरीके के, स्कीम अलग अलग तरीके, बट एंड में रियल प्यार हो ही जाता है। तो स्टार्टिंग में दोस्तों मैंने बोला था कि इस मूवी को देख के मुझे बड़ी मिक्स सी फीलिंग आई और थोड़ी अजीब सी फीलिंग आई, वो इसलिए क्योंकि इस रोमांटिक मूवी को देखकर दोस्तों जो मोमेंट्स आए वरुण और सिया के, मैंने जो देखे वो बड़े स्वीट से लगे, इंडियरिंग लगे, नोकझोंक दिखी, आंखों का आई कॉन्टैक्ट, फिर इधर देख लेना, वो सब चीजें अच्छी थी, वो आपस में भी काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। एक्टेड डिसेंटली वेल फॉर अ फर्स्ट फिल्म, एंड स्पेसिफिकली जटालेखा, उन्होंने काफी ज्यादा मैच्योर एक्टिंग करी, उनको बहुत अच्छे अच्छे रोल्स आगे भी मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों मूवी के अंदर सब कुछ एक्चुअली में गड़बड़ हो चुका है। पहले तो दोस्तों मैं ये बोलूंगा कि जो इसका प्रिमाइस है वो ही बहुत ज्यादा स्टूपिड है, कि 7 वीक वाला जो रिलेशनशिप जो वरुण ने प्रपोज किया, मतलब कोई भी इंसान जस्ट लाइक दैट रिलेशनशिप को मेरे हिसाब से एंड नहीं कर सकता, कि मैं 7 अगस्त फॉर एग्जाम्पल को आपके साथ आगे से नहीं मिला करूंगा। देन सिया का ट्यूजडे और वेंसडे वाला जो सोल्यूशन है, ये समथिंग लाइक 3 साल का जो बच्चा होता है ना, वो भी शायद आपको रिकमेंड ना करे, क्योंकि बाकी टाइम वो बोलते हैं कि वरुण कुछ भी करे उसको उससे लेना देना नहीं है, और किसी साथ गुलचर्रे उड़ा है, विच इज वेरी इम्प्रैक्टिकल। प्यार भी दोस्तों कभी ऐसे बटता है, मतलब लव में तो लोग ज्यादा पोजेसिव हो जाते हैं, यही देखा कितनी पिक्चरें बन गई इसके ऊपर। दूसरा ये कि अनमोल जो है मुझे काफी हद तक विराट कोहली की तरह लगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर, बोलने का तरीका, दाढ़ी का जो कट है उस तरीके का, बिल्कुल मुझे ऐसा लगा शायद मैं विराट कोहली को ऑफ द फील्ड देख रहा हूं किसी मूवी के अंदर। थर्डली दोस्तों, बिकॉज ऑफ अ वीक स्क्रिप्ट और स्टोरी की वजह से आपको सारी चीजें काफी बेतुकी लगेंगी, अनरियल लगेगी, काफी सीन आपको प्रिटेंशियस और अनरियल लगेंगे। फोर्थली जो कैरेक्टर्स हैं वो बड़े अनरियल है। वरुण इज अ राइटर फॉर एग्जाम्पल, इज अ डीप थिंकर, तभी राइटिंग कर पा रहा है, और लीड अ वेरी इडियोटिक लाइफ, जैसे मैंने आपको बताया। सिया आज की वुमेन है, आज की नारी है, सक्सेसफुल है, करियर है, अच्छी भी दिखती है, और वो स्टूपिड चॉइसेस बता देती है वरुण को। डायलॉग्स भी दोस्तों बड़े ही मतलब फोर्थ क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, वैसे वाला जो लवी डबी वाली बातें होती हैं वैसे हैं। कोई मेजॉरिटी नहीं है इन इंडिविजुअल्स को, जो कि अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, एक राइटर है और एक लॉयर है। लास्टली दोस्तों, फॉरेन लोकेशंस को बहुत पूरली शूट किया गया है, वहां पर गए और आपने प्रोड्यूसर का पैसा बिल्कुल खराब कर दिया, क्योंकि एक कैफे दिखाया वो भी अंदर से, और एक घर दिखाया वो भी अंदर से। तो टू कंक्लूड, आई विल गिव दिस मूवी ओनली अ सी स्कोर, बिकॉज इट इज हाईली प्रेडिक्टेबल, एवरेज एक्टिंग है, ड्रैग करती है 2 घंटे के अंदर भी, आप सोचते हो कब मैं इसको खत्म करूंगा, पुअर प्रीमाइस एंड व्हाट नॉट, स्किप इट अदरवाइज यू विल नेवर फॉल इन लव। आई वुड से फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ गुड रोमांटिक मूवी, इट्स अ वेरी पुअर एग्जाम्पल। तो आगे मिलते हैं दोस्तों होपफुली एक बेटर मूवी के साथ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल विद ऑल नोटिफिकेशंस ऑन, सो दैट जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपको मिल जाए। सी यू, बाय।